दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर मौजूद है। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के रिसर्चर ने इसकी खोज की है, जिसमें सभी महासागर के कुल पानी से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। धरती पर पानी कहां से आया, इसकी खोज करते वक्त वैज्ञानिकों ने इस महासागर के बारे में पता लगाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये महासागर पृथ्वी की सतह के नीचे एक नीले रंग की चट्टान में छिपा है। खोज करने वाली टीम के वैज्ञानिक स्टीव जैकोब्सन ने बताया कि ये चट्टान एक स्पंज की तरह है जो पानी को सोखता रहता है। 2000 सिस्मोमीटर के जरिए 500 भूकंप की स्टडी के बाद इस महासागर का पता लगाने में वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पृथ्वी के नीचे उठने वाली तरंगे जब किसी नमी वाली चट्टान से होकर गुजरती हैं, तो इनकी गति धीमी पड़ जाती है। सिस्मोमीटर के जरिए इन्हीं तरंगों की स्टडी के बाद महासागर की खोज की गई है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि धूमकेतु के धरती से टकराने के बाद उसके प्रभाव से पानी उत्पन्न हुआ। हालांकि पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद महासागर से यह संभावना जताई जा रही है कि समुद्र समय के साथ धरती के नीचे ही बाहर निकलते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक जैकोब्सन ने बताया कि इस महासागर का धरती के नीचे रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यह सतह से बाहर आ गया तो पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी होगा। जमीन के नाम पर सिर्फ पहाड़ों की ऊंची चोटियां ही दिखाई देंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के नीचे मिले इस विशालकाय समुद्र को लेकर और रिसर्च की जा रही है। वैज्ञानिकों की टीमें लगातार इस कार्य में जुटी हुई हैं, ताकि इस महासागर से जुड़ी कई अहम रहस्यमय जानकारियां उनके हाथ लग सकें। खैर, अमेरिका के इस वैज्ञानिकों को लेकर की गई रिसर्च के बारे में हमारे दर्शक क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।